Hello everyone, welcome to Abhipsa Education for Excellence. I am Ramesh Nishad and today we are going to study class 10 subject English unit 1 reading C, a great moment for all those children. In this video lecture, we will see question answers. So let's start. Question 1. Why did Adam Smith call Kailash Satyarthi? Why means क्यों? Call means call करना या फिर बातचीत करना. So Adam Smith ने कैलाश सत्यार्थी से बातचीत क्यों की? Answer: Adam Smith called कैलाश सत्यार्थी for the announcement of Nobel Prize to him. Call means बातचीत की या call किए. For means के लिए. Announcement means घोषणा. Nobel Prize means Nobel पुरस्कार. Him means उन्हें या उसे. So Adam Smith ने कैलाश सत्यार्थी से उनके नोबेल प्राइज की घोषणा के लिए उनसे बातचीत की. अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई वाज कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस? व्हाई मींस क्यों, अवार्डेड मींस अवार्ड किया जाना, फॉर मींस के लिए, पीस मींस शांति. सो कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार क्यों पुरस्कृत किया गया या क्यों दिया गया? कैलाश सत्यार्थी वॉज गिवन the award for peace because he worked for those children who were deprived of their childhood, health and education and their fundamental right to freedom. So was given means diya gaya, award means puraskar, peace means shanti, because means kyunki, he worked means unhone kaam kiya, those children yani un bachcho, who means जो, deprived means वंचित, childhood means बचपन, health means स्वास्थ्य, education शिक्षा, fundamental right means मौलिक अधिकार या मूलाधिकार, freedom means स्वतंत्रता. कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए अवार्ड दिया गया क्योंकि उन्होंने उन बच्चों के लिए काम किया जो कि अपने बचपन, अपने स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वतंत्रता हेतु अपने मूलाधिकारों से वंचित थे. सो इसलिए उनको अवार्ड दिया गया. देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड कैलाश सत्यार्थी से ऑन बीइंग कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय एडम स्मिथ? व्हाट मींस क्या, से मींस कहना, ऑन बीइंग कॉन्ग्रेचुलेटेड मींस बधाई देने पर, बाय मींस द्वारा. सो एडम स्मिथ के द्वारा बधाई दिए जाने पर कैलाश सत्यार्थी ने क्या कहा? सो आंसर, कैलाश सत्यार्थी टोल्ड दैट इट वाज द ग्रेट ऑनर टू दोज चिल्ड्रन हु वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम. टोल्ड मींस कहा या बताया. ग्रेट ऑनर मींस महान सम्मान. दोज चिल्ड्रन मींस उन बच्चों के लिए या वे बच्चे. Who means जो, deprived वंचित, fundamental rights means मौलिक अधिकार, freedom means स्वतंत्रता. So कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि यह जो है, यह जो सम्मान था, यह जो अवार्ड था, वह उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए महान सम्मान था जो कि अपने स्वतंत्रता हेतु, अपने जो मौलिक अधिकार हैं उनसे वंचित थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक? व्हाट मींस क्या, एंड मींस अंत, चाइल्ड स्लेवरी मींस बाल गुलामी, वीक मींस सप्ताह. बाल गुलामी अंत सप्ताह क्या है? सो आंसर, द एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 19th November टू 25th November एवरी ईयर टू अबॉलिश चाइल्ड स्लेवरी फ्रॉम द वर्ल्ड बिकॉज It is an evil and crime against humanity. It is an annual event for deprived and neglected children in the world. Organized means आयोजित करना. Is organized means organized किया जाता है, आयोजित किया जाता है. From means से, every year means हर एक वर्ष, प्रत्येक वर्ष. Abolish means समाप्त करना. Child slavery means बाल गुलामी. Because means क्योंकि, evil means बुराई, crime means अपराध, against means विरुद्ध, humanity means मानवता, annual means वार्षिक, event means कार्यक्रम, deprived
मीन्स वंचित, नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड मीन्स उपेक्षित, वर्ल्ड मीन्स संसार. सो द एंड ऑफ चाइल्ड सेलेबरी वीक इज ऑर्गेनाइज फ्रॉम 19th November टू 25th November एवरी ईयर. मीन्स जो बाल गुलामी अंत सप्ताह है वो हर एक वर्ष 19th November 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया जाता है. किस लिए? टू अबॉलिश चाइल्ड स्लेवरी फ्रॉम द वर्ल्ड. मीन्स संसार से जो बाल गुलामी है उसका अंत करने के लिए. बिकॉज इट इज़ एन एविल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. क्योंकि यह मानवता के विरुद्ध एक बुराई है और एक अपराध है. इट इज़ एन एनुअल इवेंट फॉर डिप्राइव्ड एंड निग्लेक्टेड चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड. यह इस संसार में, इस दुनिया में एक एनुअल मीन्स वार्षिक कार्यक्रम है. किनके लिए? उन बच्चों के लिए जो कि वंचित हैं और निग्लेक्टेड मीन्स उपेक्षित है इस संसार से. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डज सत्यार्थी मीन बाय प्लैनेट इन द टेक्स्ट. व्हाट मीन्स क्या, मीन मीन्स अर्थ, बाय मीन्स द्वारा, प्लैनेट मीन्स ग्रह. कैलाश सत्यार्थी के द्वारा एक वर्ड प्लैनेट का यूज़ किया गया. सो इस प्लैनेट वर्ड का क्या अर्थ है? बाय सेइंग प्लैनेट सत्यार्थी रिफर्स टू द वर्ल्ड वेयर वी लिव. सो प्लैनेट वर्ड का अर्थ है सत्यार्थी के माध्यम से इस संसार से, इस वर्ल्ड से है जहाँ हम रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज चिल्ड्रन हाउ कैन यू हेल्प इन द मोमेंट स्टार्टेड बाई कैलाश सत्यार्थी. एज चिल्ड्रन मीन्स बच्चे के तौर पे, हाउ मीन्स कैसे, कैन मीन्स सकना, हेल्प मीन्स मदद करना, मोमेंट मीन्स अभियान, स्टार्टेड मीन्स स्टार्ट किया जाना, स्टार्ट किया गया, बाई मीन्स द्वारा. सो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा किए गए जो स्टार्ट किए गए जो अभियान है उसमें एक बच्चे के तौर पे आप किस तरह से मदद कर सकते हैं, हाउ कैन यू हेल्प. सो आंसर, एज चिल्ड्रन वी कैन हेल्प इन कैलाश सत्यार्थीज मूवमेंट बाय एक्नॉलेजिंग एंड फीलिंग दैट चाइल्ड स्लेवरी इज एन एविल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, देयरफॉर वी मस्ट बी अवे फ्रॉम इट. एज चिल्ड्रन मीन्स चिल्ड्रन के तौर पे, बच्चे के तौर पे, एक्नॉलेजिंग मीन्स जानना और समझना, फीलिंग मीन्स महसूस करना, चाइल्ड स्लेवरी मीन्स बाल गुलामी, एविल मीन्स बुराई, क्राइम मीन्स अपराध, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, देयरफॉर मीन्स अतः या इसलिए, वी मस्ट मीन्स हमें अवश्य, मस्ट मीन्स अवश्य, बी अवे मीन्स दूर होना, फ्रॉम मीन्स सी. सो एज अ चिल्ड्रन मीन्स बच्चे के तौर पे हम कैलाश सत्यार्थी की मदद कर सकते हैं. कैसे? जानने के द्वारा, जानने समझने और महसूस करने के द्वारा कि जो बाल गुलामी है वह एक बुराई है और मानवता के विरुद्ध एक अपराध है, अतः हमें इससे दूर रहना चाहिए, अवश्य दूर रहना चाहिए. सो इस तरह से हम एज अ चिल्ड्रन मीन्स बच्चे के तौर पे कैलाश सत्यार्थी के मूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. विच आर द टू वेज इन विच पीपल कैन हेल्प टू अबॉलिश चाइल्ड स्लेवरी अकॉर्डिंग टू सत्यार्थी. विच मीन्स कौन सा, टू वेज मीन्स दो तरीके, पीपल मीन्स लोग, कैन सकना, हेल्प मदद करना, अबॉलिश समाप्त करना, चाइल्ड स्लेवरी मीन्स बाल गुलामी, अकॉर्डिंग टू सत्यार्थी मीन्स सत्यार्थी के अनुसार. सत्यार्थी के अनुसार ऐसे कौन से दो तरीके हैं जिनमें लोग बाल गुलामी को समाप्त करने में सहायता कर सकते हैं. सो पीपल कैन हेल्प दिस मिशन टू अबॉलिश चाइल्ड स्लेवरी बाय टू वेज. फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल मस्ट एक्नॉलेज एंड फील दैट चाइल्ड स्लेवरी इन इट्स अगलेस्ट फॉर्म स्टिल नाउ एग्जिस्ट एज एन एविल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स सर्वप्रथम, मस्ट मीन्स अवश्य, एक्नॉलेज मीन्स जानना एंड समझना, फील मीन्स महसूस करना, चाइल्ड स्लेवरी यानी बाल गुलामी, अगली एस्ट यानी सबसे सबसे बड़ी बुराई, फॉर्म मीन्स रूप, स्टिल नाउ मीन्स अभी भी, एग्जिस्ट मीन्स शामिल होना, एविल मीन्स बुराई, क्राइम अपराध, अगेंस्ट विरुद्ध, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता. सो सबसे पहले लोगों को यह अवश्य जानना और समझना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि जो बाल गुलामी है वो मानवता के लिए सबसे बड़ी बुराई और
अपराध है, मानवता के विरुद्ध अपराध है जो कि अभी भी शामिल है. सेकेंडली, देयर इज नीड ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कॉरपोरेट इंगेजमेंट टूवर्ड्स इट. और दूसरी चीज़ है कि देयर इज नीड ऑफ पॉलिटिकल विल, और राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, एंड साथ में कॉरपोरेट इंगेजमेंट टूवर्ड्स इट, और साथ में काम करने की आवश्यकता है, एक दूसरे की हेल्प करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, चाइल्ड लेबर स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, गिव रीजंस. चाइल्ड लेबर मीन्स बाल श्रम, स्टिल मीन्स अभी भी, एग्जिस्ट मीन्स मौजूद है, इन द वर्ल्ड मीन्स वर्ल्ड में, संसार में, अग्री मीन्स सहमत, स्टेटमेंट मीन्स कथन. सो जो बाल श्रम है वो अभी भी इस दुनिया में मौजूद है, अभी भी है. डू यू अग्री विद दिस विद द स्टेटमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट इस कथन से सहमत हैं. गिव रीजंस कारण दीजिए. आंसर, वी अग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट चाइल्ड लेबर स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. हम इस कथन से सहमत हैं कि अभी भी बाल श्रम इस दुनिया में है, मौजूद है. वी कैन फाइंड इट इन फैक्ट्रीज, स्मॉल शॉप्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, होटल्स एट्सेट्रा. फाइंड मीन्स पाना. हम अभी भी इस चीज़ को पा सकते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं फैक्ट्रीज में, स्मॉल शॉप्स में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एंड होटल्स में. सो इस तरह से बाल श्रम इस दुनिया में अभी भी मौजूद है. सो इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन एंड आंसर्स. नाउ लेट सी वोकैबुलरी. वोकैबुलरी, कंप्लीट द वर्ड वेब विथ वर्ड्स रिलेटेड टू मीडिया एज शोन बिलो. यहाँ पे कुछ एक वर्ड है मीडिया, और मीडिया से रिलेटेड हमें कुछ अदर वर्ड्स देने हैं. सो लेट सी मीडिया, और मीडिया से रिलेटेड है टेलीफोन, न्यूज़पेपर, फेसबुक, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट एंड मोबाइल. सो इस तरह से हम वोकैबुलरी कंप्लीट कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन थैंक यू.